परम पूज्य आदरणीय भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ, मुझे क्षमा करें कि अवस्था के कारण और आरोग्य होने के कारण मैं ऊंचे स्थान पर बैठा हूं। धर्म देशना देनी है तो सभी सुन सके, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी सन्नारियों, मेरे प्यारे धर्म पुत्रों, धर्म पुत्रियों, आओ इस अवसर पर धर्म का एक महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण संदेश समझे। धर्म के संगठन को कभी टूटने न दें। यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद भी हो तो प्यार पूर्वक, मैत्री पूर्वक बातचीत करके समाधान कर लें। परस्पर द्वेष और दुर्भाव का रखना ये भगवान की शिक्षा नहीं है। भगवान की शिक्षा जोड़ती है, तोड़ती नहीं, जोड़ती है। मैंने पिछले 43 वर्षों में भारत आकर देखा कि किस प्रकार भगवान की शिक्षा भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोगों को, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों को, भिन्न भिन्न मत मतांतरों के लोगों को कैसे प्यार से जोड़ देती है। जोड़ना ही धर्म है, तोड़ना अधर्म है। इसे खूब समझें, खूब समझें। पिछले 43 वर्षों में और तो कितनी बड़ी संख्या में वर्णवादी वर्णवादी नेता वर्णवादी गुरु कैसे शिविरों में आकर एक हो गए। कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग, अब तक लगभग 5,000 मुस्लिम शिविरों में आकर सुखी हो गए। ईसाइयों का तो कहना ही क्या, उनके पादरी और उनकी साध्वियां अब तक लगभग 6,000 बैठ चुके हैं और बैठते ही जा रहे हैं। उनको लाभ होता है, उनके गृहस्थों का तो क्या कहना, लाखों की संख्या में
शिविर में शामिल होते हैं, शिविरों का लाभ उठाते हैं। शिविर भगवान के शिविर, भगवान की शिक्षा किसी व्यक्ति को एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में बदलने के लिए नहीं होती, अधर्म से धर्म की ओर बदलने की होती है, दुराचार से सदाचार की ओर जोड़ने वाली होती है, और सदाचार से तो सभी जुड़ना चाहते हैं। कौन भला सदाचार का विरोध करेगा? कोई हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि यहूदी हो, इस मत वाला हो कि उस मत वाला हो, सदाचार के लिए तो सब सहमत है। मैं भी इस रास्ते इसीलिए चला कि ये सदाचार को उपदेश नहीं देता, सुधा सदाचार का जीवन जीने की कला सिखाता है। कैसे हम सचमुच सदाचारी बने, धर्म का आचरण न हो तो अपने आप को हजार धार्मिक कहता रहे, हजार धार्मिक कहता रहे, इस संप्रदाय का हो या उस संप्रदाय का हो, बेचारा धर्म से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और सदाचार का जीवन जीने लगा, शरीर और वाणी के दुष्कर्म करने से बच गया। अरे तो चाहे जिस संप्रदाय का हो, भला आदमी हो गया, अच्छा आदमी हो गया, भगवान की शिक्षा अच्छा आदमी होना सिखाती है। इसके लिए जो अभ्यास कराते हैं, 10 दिन के शिविरों में जो बैठ चुके वो तो जानते हैं, पर जो नहीं बैठ पाए उनको समझना चाहिए क्या सिखाते हैं। अरे भाई, इन 10 दिनों के पहले किसी सदाचार का पालन करते रहे हो या न करते रहे हो? कम से कम अब 10 दिन तो पालन करो। अगर 10 दिन भी सदाचार का पालन नहीं किया तो अगला कदम कैसे उठाओगे? और इसके लिए सभी राजी हो जाते हैं, किसी का कोई विरोध नहीं होता। अब क्या सिखाते हैं कि बस बैठकर चित्त को अपने वश में करना है, चित्त को संयमित करना है, चित्त को एकाग्र करना है। बहुत आलंबन होते हैं जिनके सहारे चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, बहुत आलंबन होते हैं। भगवान बुद्ध के समय भी थे, आज भी हैं। किसी भी आलंबन को बार 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 दोहराओ, मन एकाग्र हो जाएगा। मेरे हाथ में घड़ी बंधी है, मैं आंख बंद करके बार बार घड़ी 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 2-4-5 घंटे घड़ी घड़ी की रट लगाऊं, एकदम चित्त एकाग्र हो जाएगा। पर आसान बात थोड़ी है। अरे घड़ी घड़ी की रट कौन लगाए? इसलिए हमारे यहां परंपरा चली कि तुम्हारा जो इष्ट देव है उसका नाम लो। जिसका इष्ट राम है वो राम 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 कहे, जिसका अल्लाह है वो अल्लाह 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 कहे, जिसका ईसा मसीह है वो ईसा मसीह कहे।
चित्त एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र तो हुआ पर विभिन्नता बनी रही ना, एकता नहीं आई। बुद्ध विभिन्नता को तोड़ करके अभिन्नता लाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो कहते हैं भाई बस सांस को देखो, यानी सांस को जानो, अपना सांस जैसे भी भीतर आया जैसे भी बाहर गया बस उसे जानो। अब सांस तो न हिंदू है न बौद्ध है न मुस्लिम है न ईसाई है, हर मनुष्य का सांस बस सांस है। उसके साथ कोई शब्द जुड़ने न पाए, कोई कल्पना नहीं जुड़ने पाए, था पिया न जाए कीता न होई, कुछ भी उस पर आरोपण मत करें, कुछ क्रिएट मत करें। आपो आप निरंजन सोई, अरे जो अपने आप हो रहा है उसको ईश्वर मानो, जो अपने आप हो रहा है उस सच्चाई को जानो। क्या कठिनाई होगी? मुझे भी कोई कठिनाई नहीं हुई। बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा और पला, लेकिन जब कहा गया कि सांस आ रहा है जा रहा है इसे जानो, तो क्या कठिनाई होती? अगर कहते सांस को जानो पर साथ साथ ये भी कहो नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, अरे तो अलग संप्रदाय हो गया ना। नए शब्द इस्तेमाल करना, केवल सांस। बुद्ध ने सिखाया केवल सांस, यथाभूत अपने आप जैसे भी आता है जैसे भी जाता है बस उसे ही जानो। मुख्य बात ये कि अपने बारे में जो सच्चाई है उसको जानो। बाहर बाहर की दुनियादारी की तो हजार बातें हैं, किसको किसको याद करोगे और क्या मिलेगा उस याद करने से? अपने आप को जानने से बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक तो सांस को जानते जानते मन भागेगा, फिर सांस पर ले आएंगे, मन भागेगा किसी शब्द पे नहीं, किसी आकृति पे नहीं, केवल सांस। आया तो आया गया तो गया। यो करते करते पहला दिन बीतेगा, दूसरा दिन बीतेगा, तीसरा दिन बीतेगा, कोई कोई जरा घबरा उठेगा, अरे सांस को क्या देखना, न राम न रहीम, अरे बुद्ध बुद्ध करवाते खाली सांस क्यों दिखाते हैं? फिर समझ में आने लगेगा सांस क्यों दिखाते हैं। सांस को देखते देखते नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर बीचों बीच कुछ अनुभव होने लगेगा, उस अनुभव को वेदना कहा। आज के हिंदी में तो वेदना पीड़ा को कहने लगे, पुरानी भाषा में वेदना पीड़ा को नहीं कहते थे, वेदयति, जो अनुभव होता है वो वेदना। तो नासिका के नीचे क्या अनुभव होता है उसे जाने। जानते जानते तीसरा दिन बीता कि फिर तो सिर से शुरू करो, सिर से पांव तक सारे शरीर में
देखते देखते अरे सारे शरीर में खदबद खदबद, ये क्या हो रहा है? तो देखेगा समझेगा ये सारा शरीर केवल तरंगे ही जरंगे, उत्पाद होता है व्यय होता है, जहर जैसे लहरें उठती है नष्ट हो जाती हैं, उत्पाद होता है व्यय होता है। यूं देखते देखते समझ में आएगा अरे किसको अच्छा मानो किसको बुरा मानो, जीवन के अनुभव तो होते ही रहेंगे। बाहर कोई अनचाही बात हुई कि भीतर की तरंगे बिगड़ गई, बाहर कोई मनचाही बात हुई कि भीतर की तरंगे प्रफुल्लित हो गई, राग जगाने लगा द्वेष जगाने लगा, अरे क्या कर रहा है, अनेक जन्मों से यही तो करता आया, राग जगाता आया द्वेष जगाता आया, राग जगाता आया द्वेष जगाता आया, बंधन पर बंधन बंधन पर बंधन। कैसे निकले? विपश्यना सिखाती है कोई प्रतिक्रिया मत करो, जो होता है उसे देखो, उसे बदलने की कोशिश भी मत करो, उसको उस पर कुछ आरोपण भी मत करो। कभी संतों ने कहा था पिया न जाए कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। कोई थापना नहीं अपनी ओर से, उस पर कोई अपनी मान्यता की बात नहीं थोप देना, अपनी ओर से कुछ क्रिएट नहीं कर देना, तब देखोगे जो हो रहा है वो सत्य है, अपने बारे में यही सच्चाई है। शरीर और चित्त के प्रपंच की यही सच्चाई है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। हम उसे अच्छा मानकर राग पैदा करें या बुरा मानकर द्वेष पैदा करें, अरे तो अपने बंधन बंधने लगे ना। आए थे राग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए, और अब तो राग ही राग द्वेष ही द्वेष, ये आदत से छुटकारा पाने के लिए अनुभूतियों के स्तर पर प्रिय लगता है तो उसके प्रति राग नहीं, अप्रिय लगता है उसके प्रति द्वेष नहीं। यूं वीत राग वीत द्वेष तो आगे बढ़ते जाता है, पुरानी आदत है, बार बार प्रतिक्रिया करेगा, बार बार अच्छा लगे तो और चाहिए राग पैदा करेगा, बुरा लगे तो नहीं चाहिए द्वेष पैदा करेगा। फिर होश आएगा, अरे मैं क्या करने लगा, मुझे तो सिखाया गया कि बस साक्षी भाव से तटस्थ भाव से केवल जानते रहो केवल जानते रहो केवल जानते जानते स्वभाव पलटने लगने लगता है। बड़े बड़े शराबियों की शराब छूट गई, बड़े बड़े जुआरियों का जुआ छूट गया, बड़े बड़े व्यभिचारियों का व्यभिचार छूट गया, बड़े बड़े गुंडों के गुंडाई छूट गई। कैसे छूट गए? कोरे उपदेशों से नहीं, बुद्ध ने कोरे उपदेश नहीं दिए, करना सिखाया। बार बार कहते थे मेरी सारी वाणी, जिसको त्रिपिटक कहते, मेरी सारी वाणी कोई कंठस्थ कर ले और उसका खूब पाठ करे, खूब पाठ करे। लेकिन रास्ते पर चले नहीं,
तो ऐसा ही है जैसे गाय चराने वाला ग्वाला किन्हीं होलों के गाय चराता चराता है, बेचारे को दूध की तो एक बूंद भी नहीं मिलती, दूध तो मालिक को मिलता है। अरे ऐसे ही हो जाओगे, खाली पाठ करोगे, खाली पाठ करोगे, अनुभव नहीं करोगे। उन्होंने पर्यत्ति के साथ साथ प्रतिपत्ति को महत्व दिया, यानी जो सिद्धांत की बात सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको अनुभूति पर उतारो। अनुभूति पर उतारोगे तो स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव बदल ही जाता है, कोई चमत्कार की बात नहीं है। कुदरत के बंधे बंधाए नियम है, निसर्ग के बंधे बंधाए नियम है। हम नहीं समझते तो उनमें उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं। क्रोध जागता है, किस पर क्रोध जागा? जिसने हमें गाली दी, जिसने हमारा अपमान किया, जिसने हमारे साथ बदसलूकी की, हमें गुस्सा आया, गुस्से में हमें हमेशा गालियां सुना दी। भगवान कहते हैं जरा देखो तो अपनी ओर, जरा देखो तो अपनी ओर, दूसरे की हानि करने के पहले तुम अपनी हानि कर रहे हो। विपश्यना से ये होश जागने लगेगा। जैसे ही क्रोध जागा, अरे मैं व्याकुल होने लगा, मैं व्याकुल होने लगा ना, और कोई व्याकुल नहीं होना चाहता, फिर भी व्याकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो होश जागता है, आदमी बदलता है। उपदेशों से कोई बदल जाए तो सारी दुनिया बदल जाएगी, नहीं बदलते। कोरे उपदेशों से कोई नहीं बदलता, अभ्यास करने से, अनुभव करने से बदलता है। मैं बर्मा से नया नया आया तो गांधी जी के आश्रम में चला गया, कोई भाई ले गया, सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में उनकी पुत्र वधू निर्मला देवी वहां थी, बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा बर्मा में ये विद्या सीखी, इससे मन के मैल दूर होते हैं, विकार दूर होते हैं, मन निर्मल होता है, निर्मल होता है तो उसमें प्यार जागता है, स्नेह जागता है, भावना जागती है, द्वेष और दुर्भावना दूर होते हैं। अरे यही तो बापू चाहते थे, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा करके देखिए। एक शिविर लगाया, उसमें गांधी जी के दो चार बड़े 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 बूढ़े भी बैठे और लोग भी बैठे। शिविर में सब बड़े प्रसन्न हुए। उनमें से एक था अन्ना साहब शास्त्र बुद्ध, वो आया मेरे पास। अब समझ में आ गया वो बूढ़ा क्या किया करता है। प्रार्थना सभा होती है तो हम सबको कहता है गीत गाओ, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, और तालियां बजाओ, और खुद बैठा रहता है, चुपचाप मौन बैठे रहता है। हमसे रहा नहीं गया, एक दिन पूछ लिया बाबा आप क्या करते हैं, हमको कहते हैं तालियां बजाओ, हमको कहते हैं गाओ, आप क्या करते हैं? तो कहता मैं ईश्वर का दर्शन करता हूं। ईश्वर का दर्शन करते हैं तो हम चौंके, ये कैसा ईश्वर है जिसका आप दर्शन करते हैं? तो कहते हैं भाई सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक एक चेतना का प्रवाह चलता है, वो चेतना का प्रवाह ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, मैं उसका दर्शन करता हूं। पूर्व जन्म के बड़े विपश्चित थे, अपने आप जाग गया तो भीतर ही भीतर सच्चाई के दर्शन होने लगे।
ये जो अन्ना साहब सहस्त्र बुद्धे शिविर में बैठा था, सौभाग्य से 10 दिन में ही उसे भी सिर से पांव तक सारे शरीर में तरंगे ही तरंगे। अरे सचमुच यही तो सत्य है और सत्य ही तो ईश्वर है। कल्पना हम चाहे सो करें, पर जो अनुभूति पर उतरता है वो तो यही सत्य है। मेरे पीछे पड़े के पास से भी नवा भावी रहते हैं, आप बर्मा से नए नए आए हैं उनसे मिलने, मैं नया नया आया था यहाँ के संतों से मिलना चाहता था, चलो भाई मिलते हैं। हमने भी पछना की बात की, उनको जरा भी समझ में नहीं आया। अरे यह मन के मैल तो कोई परम पिता परमात्मा की कृपा से दूर होते हैं, कोई विपश्यना करने से दूर होते हैं। उन्हें काफी होते तो हैं मेरे हुए और मेरे मित्र सैकड़ों लोगों के हुए, तो उन्होंने चैलेंज दिया। एक तो स्कूल कॉलेज के जो अनुशासनहीन विद्यार्थी हैं उनमें कोई चेंज आए, एक जेल में जो खूंखार कैदी हैं उनमें कोई परिवर्तन आए। हमने कहा मैं तो नया आया हूँ, शिविर आप लगाइए, सिखा मैं दूंगा, फिर देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। एक विद्यार्थियों का शिविर लगाया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो कहा जेल में भी लगे, अब जेल वालों का नियम कि रात को हमें रहने न दे, सिखाने वाले को तो रात दिन रहना पड़े, बात नहीं बनी। 2-3 वर्ष के बाद बिनोबा जी का शरीर शांत हो गया। यहाँ एक शिविर लगा जयपुर में, तो वहाँ के जो होम सेक्रेटरी थे राम सिंह जी, शिविर में बैठकर इतने आह्लादित हुए, अरे ये विद्या ऐसी है, नॉन सेक्टेरियन है, ये तो अपने देश में फैलनी चाहिए। हमने कहा जरूर फैलेगी, पर मुझको एक चैलेंज मिला हुआ है, आप लगवाइए जेल में, आप होम सेक्रेटरी हैं। तो मिनिस्टर से मिलकर के उन्होंने 2 शिविरों का मुझे परमिशन दिलाया, और वो 2 शिविर क्या कहने, इतना परिवर्तन आया कि चारों ओर चर्चा होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी अपने जेल है सबको कहा विपश्यना के शिविर लगवाओ, विपश्यना के शिविर लगाओ। बेटी किरण बेदी उस वक्त दिल्ली के महान जेल की प्रमुख थी, उसे कहा यहां लगाइए 1,000 कैदी। मैंने कहा बेटी पहले तू बैठ, तू नहीं करेगी तो ये कैसे करेगी। बैठ गई, बड़ी प्रसन्न हुई, बैठे 1,000 लोग। अब मेरे लिए चैलेंज था इनमें क्या अंतर आता है। अंतर तो आता ही है, उनमें से एक बड़ा खूंखार कहता है कि मैं क्या करूं, जब भी ध्यान में बैठता हूं एक ही विचार मन में आता है। मैंने पूछा क्या विचार आता है, कि जब में मुझे छुटकारा मिलेगा, जीवन भर की कैद है पर 14-15 वर्ष के बाद छुटकारा मिल जाता है, जब भी बाहर निकलेगा तो मैं ट्रक ड्राइवर हूं, पहला काम ये करूंगा जिस जज ने मुझे सजा दी उसके कार को स्मैश कर दूंगा, उसको मार दूंगा, जिसने मेरे खिलाफ विटनेस दी उसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। उसके बाद ही प्रश्ना दी, सारे शरीर में संवेदना मिलने लगे, सारे शरीर में अनुभूति होने लगे। हमने कहा अब कैसे विचार, वही विचार अब भी चलते हैं। तो अब देखो जब वो विचार चलते हैं तो तुम्हारे भीतर क्या होता है। तो आया भागा भागा, जैसे ही वैसे विचार आते हैं जलने लगता है,
सारा शरीर जलने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी होती है। अरे उन्हें तो तू पीछे मारेगा, पहले अपने आप को मार रहा है ना। तो भगवान की वाणी समझ में आए, पुब्बे हनति अत्तान पच्छा हनति सो परे, दूसरे का हनन तो पीछे, पहले अपना हनन। जैसे ही मन में कोई ऐसा विचार आए, पहले अपनी हानि होने लगी, तो बदलने लगा, बदलने लगा। 10 दिनों में तो बहुत बदल गया, ऐसा एक नहीं दो नहीं सैकड़ों बदले। विनोबाजी तो नहीं थे तब तक, लेकिन लोगों में यह बात चली कि भगवान बुद्ध की विपश्यना बड़ी कल्याणकारिणी है, फलदायिनी है, पूरी बातें नहीं है, फल मिलता है। और नॉन सेक्टेरियन है, किसी संप्रदाय में नहीं बांधती। तो चल पड़ी, चल पड़ी, सारे भारत में फैली, भारत के बाहर विश्व में फैली, सभी संप्रदायों में फैली, सब जगह अच्छे अच्छे रिजल्ट आते गए। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी सन्नारियों, जो जो आए हैं इस सम्मेलन में, वो केवल धर्म की चर्चा सुनकर न रह जाए, अनुभव करके देखे, लाभ लेकर देखे। दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता, किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर दुख पैदा होता है। ये साधना ऐसी है कि सारे दुखों को दूर कर देती है। तो जो आए हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, खूब फूले, खूब फले, धर्म का खूब लाभ उठाए, लाभ उठाए। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे, बेटी तेरा मंगल हो, बेटी तेरा मंगल हो, दूर अमंगल हो रे, दूर अमंगल हो, बेटे तेरा मंगल हो, बेटे तेरा मंगल हो, दूर अमंगल हो ये रे।